ओम शांति। बाबा कहते, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो, जिसके लिए बाबा युक्ति बताते। ज्ञानी तू आत्मा सदैव हर एक के प्रति, मास्टर स्नेह का सागर है, बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही देंगे, आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह की शक्ति से दुश्मन को भी मित्र बना सकते हो, अपकारियों पर भी उपकार कर सकते हो। अर्थात बाबा स्नेह का सागर, हम बच्चों को मास्टर स्नेह का सागर बनाते। बाबा कहते, अभी हर मनुष्य आत्मा स्वार्थवश स्नेह रखती है, पर आप श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की आत्माएं हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ स्नेह रखते हुए, शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए, हर एक के कल्याण की भावना रखते हो, अपकारियों पर भी उपकार करते हो, इसीलिए आप बच्चों का गायन पूजन होता है। तो आज विशेष अमृत वेला में हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखकर स्वयं को शक्तिशाली बनाकर सफलता मूर्त अनुभव कर सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, कल्याणकारी श्रेष्ठ संगम युग पर विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा द्वारा अवतरित मास्टर विश्व कल्याणी हूं। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने विश्व कल्याण की श्रेष्ठ सेवार्थ
मुझ आत्मा को मरजीवा ब्राह्मण जन्म दिया। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर कर, हर आत्मा की सेवा अर्थ निमित्त बनाया। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कल्याणकारी पिता शिव की संतान। मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा निस्वार्थ सेवाधारी। हर आत्मा को निस्वार्थ स्नेह देने वाली। सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली। श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। खुशी की भावना व सद्भावना हो।
तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लो। सर्व की संतुष्टता का बल भरो। तब शक्तिशाली फल निकलेगा। इसीलिए बाबा कहते पाप की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो। ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो।
सर्व आत्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो। सेवा कार्य ऐसा हो जो स्वयं भी संतुष्ट रहे। तो अनुभव करें मैं आत्मा सेवाओं में। शुभ भावना की एडिसन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा सेवाओं में शुभ भावना की एडिसन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। अब एक सेकेंड में अपने मन और बुद्धि को परमधाम में एकाग्र करें। एक लाल प्रकाश की दुनिया जो मेरा अविनाशी घर है। और वहां मैं बिंदु आत्मा अपने अविनाशी निराकारी पिता शिव के साथ हूं।
स्थित हो जाएं कुछ देर बीज रूप अवस्था में। मैं बिंदु आत्मा, बिंदु पिता परमात्मा के समीप हूं। मैं बिंदु आत्मा स्वयं को सर्वोच्च अवस्था में महसूस कर रही हूं। शिव पिता से पवित्रता और स्नेह की अत्यंत पावरफुल किरणें। मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप को स्पष्ट अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा स्वयं में ईश्वरीय गुणों को प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता को आत्मसात कर रही हूं। मुझ आत्मा के ये अनादि आदि संस्कार हैं। कितनी निश्चल अवस्था है यह। सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं स्वतः इमर्ज हो रही है। इनके लिए संकल्प रचने की आवश्यकता भी नहीं है।
स्वतः ही सर्व आत्माओं प्रति। शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं की अनंत लहरें उठ रही हैं। ईर्षा, द्वेष, घृणा भाव का नामो निशान भी नहीं है। सर्व के प्रति प्रेम दया, सहयोग और कल्याण के भाव जागृत हो रहे हैं। सर्व के प्रति कल्याणकारी भावना ही मेरा निज स्वरूप बन गया है। बाबा कहते देने में ही लेना समाया है। हर आत्मा के मन में मेरे प्रति, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं जागृत हो रही हैं। सर्व आत्माओं की संतुष्टता का बल, मुझ आत्मा को सेवा प्रति, सहयोग और शक्ति प्रदान कर रहा है। मैं आत्मा सफलता मूर्त बनती जा रही हूं।
तो अनुभव करें। मैं आत्मा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। मैं आत्मा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।